Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. मैं हूँ हीरा और आप देख रहे हैं Food and Fun with हीरा. और आज मैं कोई कुकिंग की वीडियो नहीं बना रही. आज हम निकले हुए हैं बाहर, तो मेरे साथ है ईशा, मर्दों की आवाज वाली ईशा. हाय. हेलो गाइस, अस्सलामुअलैकुम. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे. और आज हम निकले हुए हैं बाहर बारिश का जरा मजा लेने के लिए, और सोचा कि थोड़ा सा एंजॉय कर ले बंदा बाहर निकल के बारिश को देखे. एक बड़ा गड़बड़ हो गया मसला. एक क्या हुआ है? सॉरी गाइस, मसला ये हो गया कि हमारे गाड़ी के वाइपर नहीं चल रहे. ओह माय गॉड, वाइपर नहीं चल रहे. मेरा मास्टेड हो गया. मास्टेड हो गया. और सब लोग कैसे हैं? आप सब लोग उम्मीद है जो लाहौर के रहने वाले होंगे, लाहौर से बाहर भी जरूर होंगे. आई डोंट नो कि कहाँ कहाँ पे बारिश हो रही है. बहरहाल यहाँ पे तो बारिश हो रही है और बहुत मज़ा आ रहा है. और मैं बड़ी मुश्किल से गाड़ी इस टाइम चला रही हूँ. मैं चला तो रही हूँ इस वजह से कि एक मसला हो गया यार. क्या हुआ है? इसके वाइपर नहीं काम कर रहे हैं. इसका हल भी है हमारे पास. क्या? ये मैनुअल वाइपर साथ में. ये गाइस बहुत एक ना फूड एंड फन मैनुअल वाइपर. ये मैनुअल क्या कौन करेगा? फायर से निकल के साफ. ऐसा करो, ये विंडो का ये नीचे करो, वो शीशा और ग्लास जो है ना. ये क्या हाल है? अब इसमें इतना कैसे मैं कर सकती हूँ? ऐसे ही करो ना इसकी. बल्कि एक वो तुम्हें चाहिए कि घर के और बाहर के जो इस तरह के होते हैं वो टिप्स भी बल्कि जाना शेयर किया. अब मैं आप चाहती हूँ मैं गाड़ी में बैठे बैठे वाइपर चलाने का तरीका बताऊं आपको? बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा जी, अगर कुछ आप एग्री करते हैं मेरे साथ तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा. और बाकी आप भी कुछ बोल लें. मैंने क्या कहना है आपसे? बोलना क्या है, बाहर निकले हुए हैं, मौसम इंजॉय कर रहे हैं. आज घर में खाने का प्लान नहीं था. मैंने सोचा बाहर आके खाते हैं और बाहर के मौसम का एंजॉय करते हैं. बारिश हो रही है, मैं आपको भी देखिए हॉर्न देते हुए जाना पड़ेगा सारे रास्ते में क्योंकि वाइपर बिल्कुल भी नहीं काम कर रहे. और ये देख सकते हैं आप, वाइपर तो है नहीं है. तो मैं इस वाइपर से ही कहती है कि इसी तरह मतलब अंदर से साफ नहीं करना. मेरी है अंदर से साफ करते हैं, अंदर से नहीं बाहर से करो भाई. मैं गाड़ी रोकती हूँ और बारिश में भीगते हुए. चलो गाड़ी साइड पे रोको ना, थोड़ा वाइपर से गाड़ी साफ करते हैं. मुझे रोके दो ना कहीं पे. ब्रिज पे रोकूं? ब्रिज पे रोक दो ना कहीं पे. यहाँ पे इतनी तेज बारिश हो के सारा ये साफ हो जाए. हाँ देख देख लो क्या है यार, ध्यान से किसी गटर में ना मार देना. तुझे इतनी अच्छी रोड में गटर कोई नजर आ? हमारे पाकिस्तानी सड़कों को कुछ पता नहीं, गटर भी हो सकता है. बीच सड़क में गटर खोलते हैं, बीच सड़क में स्पीड ब्रेकर बन सकते हैं. बीच के बीच सड़क में गटर भी बन सकते हैं. कंफ्यूजन की मारी हो. तो अब हम कहाँ हैं? हमारा कनेक्शन जो है ना उस बांध पर. मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ. ये हम हैं आरफा टावर. बारिश अंदर आ रही है तो मैं शीशा कर रही हूँ भी ऊपर, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है. तो आज हम जा कहाँ रहे हैं बताएं तो सही सबको. हम जा रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि निकले कहाँ है, जाना कहाँ है, समझ नहीं आ रही. हाँ प्लान तो यही है क्योंकि इतनी बारिश में मेरा नहीं क्या लॉकडाउन. अब ये बताओ बड़े मामू की तरफ या बड़ी मामी की तरफ? बड़ी मामी. मामी की तरफ जा रहे हैं हम अपनी बड़ी मामी की तरफ. अंदर आ रही है लेकिन मैं शीशे बंद भी नहीं कर सकती इस टाइम. आज हम सिप्तैन भाई को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं. अगर वो लाहौर में होते तो बड़ा मजा आता, बहुत एंजॉय करते. और अगर वो हमारे वीडियो देख रहे हैं तो मैं यही कहूंगी कि आ सकते हैं तो आ जाओ. फिर इतनी दूर से सफर करके कहाँ से भक्कर से इतने 8-9 घंटे का सफर तय करके वो लाहौर आते हैं. और इनकी हिम्मत है वैसे. अरे रास्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा? बारिश भी नहीं रुक रही. गाड़ी में सल्लो सल्लो चला रही हूँ. आए मौसम रंगीले सुहाने जिया नहीं वाइपर नहीं माने. हमारे पास मैनुअल वाइपर है. गाड़ी रोका ना साइड पे, वाइपर रोकती हूँ. गाड़ी का कैसे जो है वो
साफ करती है। ये रोको, मैं बाहर से वाइपर करती हूँ, आप वीडियो बनाओ, अंदर से मैं वाइपर करके दिखाती हूँ। ये टिप, गाड़ी में चलती गाड़ी में वाइपर नहीं कर सकते, ये रिस्क लीजिएगा भी ना जी। ये मैंने रोक दी गाड़ी, गाड़ी में ना मार देना। नहीं मारती, अल्लाह माफ करे, इतनी गंदी ड्राइवर नहीं हूँ मैं। और चलो चलिए, मैं करती हूँ वाइपर। अरे बिस्मिल्लाह तो बेटा, आगे हर जगह पानी है। बस ठीक है, ये लो, ये खुश्क जगह पे। ये देखें जी, हीरा जो है ना, हीरा इस टाइम वाइपर मैनुअल वाइपर जो है वो कर रही है, और मैंने इसको पैसे बिल्कुल भी नहीं देने। बस काफी है, काफी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उतर से आओ बस। ठीक है ठीक है, पैसे नहीं है बेटा, माफ। ओह माय गॉड, अच्छा हो गया, देखो कितना प्यारा साफ किया, दिखाओ तो। जी जी, बहुत प्यारा। और दोबारा बारिश से फिर वही हाल हो गया। फिर निकल के कर दूंगी मैं, हाजिर हूँ ना। हाँ बस पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। मैं पहले कौन सा देती हूँ सैलरी, मेरे 6 महीने से सैलरी मार मैं तुम्हारी वो सैलरी काटूंगी जो कि तुम्हें नहीं देती मैं। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल। कार से आगे निकल गया अभी, वो तो मैं क्या रेस लगा रही हूँ, निकली है अभी। एक साइकिल साइकिल वाला भी आपसे आगे निकल जाएगा। अभी एक बाइक थी वो भी आपसे आगे निकल गई, इतनी स्लो रिक्शा कह रही, गाड़ी चला रही है। रिक्शा है हमारा, मेरे से आगे निकल गया ये देखो। रिक्शा कितना फास्ट जा रहा है, आपसे ज्यादा फास्ट रिक्शा जा रहा है। बेटा मैं जो हूँ, मैं क्या करूँ, मैं रेस यहाँ पे लगाना शुरू कर दूँगी। तो अब हम अपने रिलेटिव के घर के पास पहुँच गए हैं। यार कहीं से फ्रूट नहीं ले लेती यार, फ्रूट हाँ ले लेते हैं ना, यार क्या लगे हुए हैं देखो यहाँ, खरबूजे लेने हैं यार, तरबूज भी आ गए हैं, बेमौसमी से फल है यार, जीप से ही फल है यार, खरबूजा लेना है मैंने, मुझे स्ट्रॉबेरी भी है वैसे। खरबूजा कितने रुपए किलो यार, जब तक 30 रुपए किलो नहीं होता मैंने खाना ही नहीं है, मैंने खरीदना ही नहीं है। ऐसा नहीं करो ना भाई, ना भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने खरबूजा जब तक 30 रुपए किलो नहीं हो जाएगा मैंने नहीं खाना। शर्म कर लो कुछ, 30 रुपए इतनी महंगाई हो रही है, 30 रुपए नहीं मैंने तो लेना ही 30 रुपए, मुझे पता है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैंने 30 रुपए फ्रेश लेना है। ये कितने रुपए है, 70 रुपए। नहीं नहीं मैं 30 रुपए का वेट करूंगी बस, फिर तू मैं सब्र तहम्मुल से काम लूंगी, सब्र तहम्मुल से काम लूंगी, 30 रुपए होने तक का वेट करूंगी। अल्लाह अकबर, ये कितने रुपए है, थोड़े से पैसे बढ़ा दे। 60 रुपए यार मैंने नहीं लेना, कैंसिल खरबूजा लेना, कैंसिल। नहीं नहीं 40 रुपए कर ले यार, बढ़ा ले 10 रुपए बढ़ा ले। नहीं 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 अच्छा पहुंच गए हैं अभी। नहीं यार इतना लंबा सकी होगी, और बोलने का दिमाग का कनेक्शन जो है ना मिल नहीं रहा, कंट्रास्ट मैच नहीं कर रहा। ओए होए इसने हद कर दिया, खरबूजा 80 रुपए किलो, मैं तो लूंगी नहीं। तो क्यों उनकी नोजी पे लात मारेगी किसी ने, खरबूजे वाले नोजी पे, कर नोजी पे ना, ध्यान से ब्रेक मार दो, रिक्शा ठोक दो, क्यों ठोक दो, खबर आएगी रिक्शा ने रिक्शे को ठोक दिया। हमारा भी रिक्शा ही है, हमारा भी चिंगची जा रहा है इनसे, रिक्शा चिंगची रिक्शा हमारा भी जा रहा है, खटारा अल्लाह का शुक्र है जो भी है। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी बड़ी मामी की तरफ, तो अम्ब्रेला लेके खड़ी, आप अम्ब्रेला लेके क्यों खड़ी हुई, बारिश हो रही है, ये हम हैं और ये बारिश हो रही है, और ये हमारी मामी अम्ब्रेला लेके खड़ी हुई है। चले चलते हैं, इतने प्रोटोकॉल से इतने प्यार से हमें लेने के लिए आई है बाहर, एक छतरी लेके कि हम कहीं भीग ना जाएं। आप देखें इतना प्यार है, प्यार की बात है। चले चले, हम अपनी बड़ी मामी की तरफ घर में पहुंच चुके हैं, इनके घर में आ चुके हैं जी। तो क्या कहना चाहेंगी आप? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ये किस्मत हमें अच्छे मौके पे लेके आई है, और मौसम भी देखे ना कितना सुहाना, और बारिश का मौसम, और मजे की बात ये है कि इन्होंने जो हमारी किस्मत में पिज्जा और ये सब कुछ था, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। वैसे मम्मी आपको पता था आइडिया से कितने आ रहा है, हमने तो छापा मारा अपनी तरफ से। लेकिन देखे आप चांस देखें कि मैंने सूप बनाया है इस मौसम में, राइस, चाइनीज राइस, जबरदस्त ना, वो इत्तेफाक की बात है ना ऐसे मौसम में,
ये तो है, ये तो है। देख ले फिर हमारी अच्छी किस्मत है ना, खाने पीने के मामले में हम इतने लकी हैं। वाओ, आखिरकार फूड एंड फन विद हीरा। तो हीरा तुम और मजीद अपने जो है वो चैनल को वो करो, ग्रो करो, ताकि खाने के मामले में हमारी किस्मत मजीद खुले। और अब हमें दें इजाजत, और ये हमारी बहुत प्यारी मामी है जिनके घर हम आए हैं। और मामी आप कोई मैसेज देना चाहेंगी, जरा क्लोज लेके जाओ इनके, कोई मैसेज हमारे देखने वालों को। हमारे मैसेज जो है, बड़े होने के नाते मैं एक ही बात करूंगी कि बच्चों के अंदर जब भी आप अपने बच्चों की तरबियत करें तो उनमें बड़ों की रिस्पेक्ट जो है ना, वो फर्स्ट पॉइंट जो है ना, कि बड़ों की रिस्पेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए बहुत मशहूर एक बात की गई, बेअदब बेमुराद, बादब बामुराद। अगर आपने बड़ों की इज्जत करनी सीख ली, इट मीन्स आप पार हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा मैसेज है न्यू जनरेशन के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, अब हमें इजाजत दें और हमें खाने पीने दें, एंजॉय करने दें, खाना ठंडा हो रहा है आके। और इसको अब हम खाना खाते हैं जी, और हमें दें इजाजत। अब हम खाना खाते हैं, हमें दें इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।